अपडेट्स, काउंसलिंग, टीचिंग यहाँ मिलेगा सब. स्टूडेंट्स जस्ट प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब महामना एजुकेशन हब. अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार. मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं. तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत कॉलेजेस और उनके हॉस्टल की सीट्स कितनी हैं ये मैं बता दूंगा आपको. इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, ये बता दूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ओवरऑल लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. इसके अंदर 90 कॉलेजेस हैं इसके अंदर, लेकिन हॉस्टल की सीट्स बहुत ही कम है फॉर बोथ मेन एंड वीमेन. ऑलराइट, सो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं ये अवेयर कर देना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली किस हॉस्टल में या किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं हॉस्टल के लिए, ताकि आपको ये सब चीज़ें जान के पता चल जाए. और आपका जब एडमिशन भी हो उस पर्टिकुलर कॉलेज में, तो वो भी मेरिट लिस्ट और रिजर्वेशन सारी चीज़ें लागू होती है इसमें. तो ये सब कुछ मैं बता दे रहा हूँ. ऑलराइट, नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस दो तरह के कॉलेजेस में डिवाइडेड है ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. और टोटल 90 कॉलेजेस हैं. नॉर्थ कैंपस में संख्या कम है बट ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस हैं, और साउथ कैंपस में संख्या ज़्यादा है और वैसे रैंकिंग के हिसाब से थोड़े वो पीछे कॉलेजेस हैं, बट ऑल आर गुड इक्वली. तो चलते हैं, शुरू करते हैं, आपको हम ले चलते हैं सीधा नंबर ऑफ सीट्स और नंबर ऑफ हॉस्टल सीट्स टोटल इन ऑल कॉलेजेस इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. सो ये रही लिस्ट आप सभी की. सबसे पहले शुरू करता हूँ, देखिए हॉस्टल सीट्स अक्रॉस कॉलेजेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. सबसे पहले है रामजस कॉलेज जो कि नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है. इसमें मेन की हॉस्टल सीट्स टोटल है 120. रामजस कॉलेज में मेन के लिए 120 सीटें हैं और वहीं वीमेन के लिए सिर्फ 80 सीट्स आर देयर. इसके बाद किरोड़ीमल कॉलेज जिसके कि प्रोडक्ट अमिताभ बच्चन रह चुके हैं, और उसमें मेन की सीट्स जो है वो है 190. इसके बाद सेंट स्टीफेंस कॉलेज जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, इसमें 380 सीटें हैं टोटल विथ 3 ब्लॉक्स फॉर वीमेन एंड 3 फॉर मेन. 380 सीट्स आर देयर इन सेंट स्टीफेंस कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. देन लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वीमेन ये लड़कियों के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है और इसमें टोटल सीट्स 300 है. इसके बाद हंसराज कॉलेज, ये को एजुकेशन है लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ मेन के लिए ये है, जिसके कि प्रोडक्ट शाहरुख खान रह चुके हैं, अनुराग कश्यप रह चुके हैं, एंड इसमें टोटल सीट्स फॉर मेन इज 200 ओनली हंसराज कॉलेज. देन इट कम्स मिरांडा हाउस जो कि लड़कियों के लिए सिर्फ कॉलेज है, और इसमें वीमेन की टोटल सीट्स जो है हॉस्टल के अंदर ये है 366. देन इट कम्स श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, इसमें मेन की टोटल सीट्स 72 है और वीमेन की भी टोटल सीट्स 72 है श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज. देन इट कम्स द हिंदू कॉलेज. हिंदू कॉलेज के अंदर 200 सीट्स मेन की हैं ऑन 156 सीट्स जो है वो है वीमेन की. ऑलराइट, इट इज़ क्लियरली रिटन ओवर हियर दैट ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स आर अकोमोडेटेड इन द हॉस्टल्स प्रोवाइडेड बाय द कॉलेज और यूनिवर्सिटी. आपको मैं ये भी बता दूं कि लगभग 1.8 लाख स्टूडेंट्स जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर वो बाहर से होते हैं, मतलब दे आर नॉट प्रॉपर दिल्लीइट्स. ऑलराइट, वो बाहर से आते हैं, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और इवन साउथ इंडिया एंड जम्मू कश्मीर, एवरीवेयर फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री. तो इतने स्टूडेंट्स की हॉस्टल की फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है. सो मैक्सिमम या तो पीजी लेकर के रहते हैं या फ्लैट्स आउटसाइड द कैंपस वैसे ही रहते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स. तो देखिए 17 हॉस्टल्स इन नॉर्थ कैंपस, 17 कॉलेजेस नॉर्थ कैंपस के जिनमें हॉस्टल की सुविधा है, और सिर्फ 3 कॉलेजेस साउथ कैंपस के हैं जिसमें हॉस्टल की सुविधा है. देन इट कम्स आईपी कॉलेज में है विमेन की संख्या सीट्स 450. देन इट कम दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, मेन की संख्या है 90 और विमेन की संख्या है 90. देन इट कम्स श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो कि कॉमर्स का नंबर वन कॉलेज है पूरे इंडिया में, मेन की संख्या है इसमें 145 और विमेन की संख्या है 53. देन लेडी इरविन कॉलेज में विमेन की संख्या है 200. इसके बाद एसजीबीटी खालसा कॉलेज में है विमेन की संख्या जो है ये 147 है. देन इट कम्स केशव महाविद्यालय में
लेडीज़ की संख्या 78 है हॉस्टल में टोटल। देन इट कम्स महाराजा अग्रसेन कॉलेज, इसमें विमेन की संख्या 58 है हॉस्टल के लिए। देन इट कम्स शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज, इसमें विमेन की संख्या 110 है। देन इट कम्स दौलत राम कॉलेज, इसमें विमेन की सीट्स टोटल हॉस्टल के अंदर 200 है। तो ये रहे टोटल हॉस्टल फैसिलिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जो कि कम है इनफैक्ट। और इस साल से आपको ये भी बता दूं कि 10% सीटें बढ़ाई जाएगी, क्योंकि EWS कोटा के अंतर्गत 10% सीटें इनटेक में उनकी संख्या में वृद्धि की जाएगी। तो आप सभी के लिए अच्छा भी है इनफैक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। बट हॉस्टल फैसिलिटी की जितनी बातें हैं वो मैं आप सब तक पहुँचाया हूँ बिल्कुल ऑथेंटिकेट सोर्सेज से। कृपया करके इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए, और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके